नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो रायपुर मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों जानते हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैसा रहेगा मौसम, यानी कि छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, किस जिले में तापमान अधिक पड़ने वाली है, टेम्परेचर अधिक पड़ने वाली है, इन सभी की डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे CG36 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो या पोस्ट अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट पा सकें। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं सीधे खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार क्या है मौसम की हाल और मौसम की जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको उन क्षेत्रों का नाम बताने वाली हूँ जहाँ पर टेम्परेचर तापमान यानी कि गर्मी अधिक पड़ने वाली है। तो दिन में अधिक गर्मी पड़ने वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स कोरबा। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरबा में दिन में अधिक गर्मी पड़ने वाली है जो कि 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है। वहीं बाकी जिलों की बात करें तो दोस्तों, बाकी जिलों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक दिन में तापमान रहेगी। अब दिन में ही कम तापमान वाला क्षेत्र की बात करें तो वो है नारायणपुर। जी हाँ फ्रेंड, नारायणपुर जिले में 29 डिग्री सेल्सियस तक दिन में कम तापमान रहेगी। रात की बात करें तो दोस्तों, रात में न्यूनतम यानी कि कम कोंडागांव जिले में रहेगी जो कि 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है। अब इसी के साथ हवा की गति की बात करें तो फ्रेंड्स, आज पिछले दिनों के मुकाबले यानी कि 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चलने वाली है, मीन्स गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। साथ ही अब कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिन क्षेत्रों में बूंदाबांदी यानी कि ना के बराबर बारिश होने वाली है। तो ऐसे क्षेत्र हैं बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, सुकमा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जिन क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश होने वाली है उन क्षेत्रों की, तो वो है रायपुर, बालोद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर। इन सभी क्षेत्रों में फ्रेंड्स हल्की फुल्की बारिश होगी। अब इससे थोड़ा ज्यादा बारिश होने वाला है उन क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों, वो है गरियाबंद, बलौदा बाजार, कवर्धा और कांकेर। इन चारों क्षेत्रों में फ्रेंड्स थोड़ा सा ज्यादा बारिश होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में मौसम क्लियर रहने वाली है, इस वजह से आज भी किसी भी क्षेत्र में बिजली गिरने या वज्रपात होने की कोई संभावना नहीं बताई गई है। अब कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिन क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की फुल्की धूप भी देखने को मिलेगी, तो वो है अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, बेमेतरा, दंतेवाड़ा। इन सभी क्षेत्रों में फ्रेंड्स बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की फुल्की धूप भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मध्यम बारिश, भारी बारिश और अति भारी बारिश की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में अभी किसी भी क्षेत्र में मध्यम भारी और अति भारी बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। मोस्टली सभी जिलों में धूप के साथ साथ हल्की बादल भी छाए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, पर अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।